हो, ठीक है, एडिटिंग चैनल। तो विजय मर्चेंट ने अपना न्यू कॉन्सेप्ट इंस्टाग्राम पर अभी अपलोड किया था, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था, फैलिंग वाला। मतलब आपको स्क्रीन पे फोटो नज़र आ रही होगी, आपने भी विजय मर की ऐसी फोटो एडिटिंग देखी होगी। मतलब कैसे ऐसी एडिटिंग हो जाती है यार, मतलब बिल्कुल एक इम्पॉसिबल एडिटिंग कि बंदा कैसे ऐसे घिर सकता है, वैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। आपको भी मतलब एक अजीब कौन मतलब समझ ही नहीं आती ऐसी एडिटिंग। तो सिंपल वैसी ही एडिटिंग जैसे विजय मर की आज की आपको स्क्रीन पर फोटो नजर आ रही होगी, ऐसी एडिटिंग बताऊंगा। बहुत ही टाइट वीडियो होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो लाजमी करना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना भूलना तो बिल्कुल ही मत, घंटा भी दबाना, और भाई को इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। चलते हैं हम अब वीडियो की तरफ। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ कि एडिटिंग के लिए कैसा पोस्ट चाहिए होगा। सिंपल आपको एडिटिंग के लिए ऐसा पोस्ट चाहिए होगा, मतलब ये कटा हुआ बंदा नहीं, ये मत बोलना कि इसके पेट वेट गायब है, आपने फुल खड़े होकर ऐसा पोस्ट खिंचवा लेना, ठीक है। और फिर क्या करना है, बैकग्राउंड इरेज करते वक्त क्या करना है, टांगों का सारा ऐसा काट देना, क्योंकि आपको बिल्कुल आधी फोटो चाहिए, और बाकी जो टांगों की लिंक मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आप वैसे ही टांगे नहीं बना सकते पोज वाली की तरह। तो आपकी आसानी के लिए मैं क्या करूंगा, टांगों की लिंक आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये मोबाइल की फोटो आप देख लो, इसके पिक्सल कितने बड़े हैं। मैं मोबाइल की फोटो आप लोगों की आसानी के लिए बनाता हूं, क्योंकि आप मोबाइल की फोटो बनाकर आराम से एडिट कर लो। तो ऐसा पोज खिंचवा लो, हाथ गौर से देखना, स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। ऐसा पोज खिंचवाने के बाद जो मैं बैकग्राउंड दूंगा उसको आप खोल लोगे पिक्सार्ट में। बैकग्राउंड हमारा यहाँ पर पिक्सार्ट में आ चुका है, बैकग्राउंड वगैरह की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। बैकग्राउंड को पिक्सार्ट में खोलने के बाद आप आगे आओगे, आगे आने के बाद ऐड फोटो नजर आ रही है भैया। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पर आपने वो जो पोज दिखा था मॉडल की फोटो उसको, और दूसरी जो मैं टांगों की पीएनजी दूंगा उसको आपने ऐड कर लेना है। तो दोनों फोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया। बाकी भाई जान बोलते हैं कि यार आपका बैकग्राउंड जो होता है आपके एचडी में नहीं होता, तो भैया बिल्कुल बैकग्राउंड आपका एचडी के अंदर है। बाकी जो टांगों की पीएनजी है वो एचडी में नहीं होगी, थोड़ी बहुत मतलब इसके अंदर थोड़ा मसला होगा, तो आपने इसको एचडी में बनाना है खुद ही। कैसे बनाओगे, सिंपल रेजर में जाओगे, कोई जहाज उड़ाकर नहीं बनाना, हार्डनेस को बढ़ा के साइज को छोटा करके, मतलब ये चीज़ होगी, इसकी साइडों पर ये आउटलाइन निकली भी होगी, आपने सिंपली बिल्कुल साइज को छोटा करके आराम आराम से जहाँ जहाँ पे आ रहा है बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ आराम से यूँ कर देना है इसको इरेज, और मतलब बिल्कुल आपकी टांगें भी जो होंगी फुल तरीके से एचडी में आ जाएंगी। बस इतना सा काम करना होगा, कोई मतलब कोई ये नहीं है जहाज नहीं उड़ाना, लंबा चौड़ा काम नहीं करना। मतलब बाकी जो इसकी आधी टांग कटी हुई है उसका हल क्या है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। आधी टांग कटी हुई जो है उसका क्या हल करना है उसका भी सिंपली हम हल निकालेंगे। तो डन कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद आपने क्या करना होगा, मॉडल का जो अपना पोज होगा उसको करने होगा टेढ़ा, ठीक है। टेढ़ा कर देने के बाद आपने यहाँ पर टांगों को क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर ये जो आधी कटी हुई टांग है ना, मतलब ये छुप जाए, तो आप इसने इसको ये जो कंबल है ना, कंबल है या जो भी है, आपने यहाँ पर इसको क्या कहते हैं अपनी आधी कटी हुई टांग को वहाँ पर रख लेना है, ठीक है, कंबल की तरफ, ठीक है। ऐसे आपने करना है टांगों को एडजस्ट, थोड़ा सा इस तरफ ले आओ, थोड़ा सा छोटा कर दो इस तरफ, हाँ ऐसे। और उसके बाद अपने मॉडल को यहाँ पर ले आओ, देन मॉडल को करो आप बड़ा, ठीक है। और बड़ा कर देने के बाद इधर से थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ताकि बिल्कुल एक गिरने, थोड़ा सा यूँ कर दो हो जाए भाई, हाँ, ताकि एक गिरने वाला बिल्कुल लुक आए फोटो के अंदर। थोड़ी सी टांगों को करो बड़ा, क्योंकि टांगें बहुत ज़्यादा छोटी लग रही हैं, बिल्कुल एडजस्टमेंट ऐसी करनी है कि मतलब बिल्कुल असल लगे कि ये तो मतलब क्या कहते हैं इसकी असल अपनी टांगें हैं, ये ना लगे कि मतलब फोटो फेक, मतलब हमने फोटो यहां पर ऐड करी है, ठीक है। तो सिंपली आपने ऐसे ही करना होगा, टांगों को फिर भी आप कर दो यहां से थोड़ा बड़ा, टांगें बहुत छोटी लग रही हैं, हाँ इतना, इतनी टांगें काफ़ी हैं। उसके बाद आप यहां पर इसको क्या करो, इसको करो थोड़ा बड़ा, ताकि बिल्कुल जैसी टांगे इतना हमारी क्या कहते हैं शेड भी बड़ी हो जाए। तो और बड़ा करो यहां पर, ठीक है, नीचे की तरफ ले आओ, यहां पर इतना बड़ा कर देने के बाद, ठीक है। तो आपके सामने क्या कहते हैं हमारा मॉडल जो है वो टांगों से मैच हो गया, एडजस्ट भी हो चुका है। अब क्या करते हैं, हम टांगों को एरिया सेलेक्ट करके रेजर में आप जाओगे, रेजर में जाने के बाद जो आधी टांग कटी हुई है ना उसको आप यहां तक, मतलब जहां तक बिस्तर है उधर तक काट दोगे, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा ये जो टांग है ये बिस्तर के अंदर छुपी हुई है, जिससे बिल्कुल एक असलियत वाला लुक आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका मॉडल एडजस्ट हो चुका, आप कर दोगे डन। अब डन कर देने के बाद मैं एक बात आपको बताता चलूं, मतलब ये शर्ट और ये मतलब बिल्कुल एक मैच नहीं हो रहे, फोटो फेक, मतलब कुछ ना कुछ लग रहा है कि हमने यहां पर ऐड किया है। तो आप सिंपल जाओगे यहां पर टूल वेल में, देन क्लोइन वाले ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पर आपने क्या करना होगा, आपने इसके साइज़ को इतना करना होगा, देन ऑपिसिटी को इसी करना होगा 50%, और उसके बाद आपने क्या करना होगा 50% कर देने के बाद आपने क्या ये करना है, सिंपली आपने और थोड़ा कम कर देना है 29%, और उसके बाद आपने सिंपली ये एरिया सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्या कहते हैं यूँ कर देना है शेड पर, ठीक है। इससे क्या होगा मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इससे बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, मतलब आपकी जो क्या कहते हैं ये जो शेड वगैरह है ये बिल्कुल मैच हो जाएगी किससे, आपकी पेंट से, जिससे मतलब फोटो फेक नहीं लगेगी। तो आपने यूँ एरिया सेलेक्ट कर लेना जैसे मैंने किया सिंपली आपके सामने, और आराम आराम से यहाँ पे कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है मैं बताता हूँ। ये वाला जो पेंट का एरिया होगा ना, ये जो वाइट वाइट आपको नजर आ रहा है, ये एरिया सेलेक्ट करके आपने अपनी शर्ट पे यहाँ तक हल्का सा मार लेना और डन कर देना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर आओ, इधर देखो, ये जो पहले थी अब देखो और अब देखो, मतलब अब मतलब क्या कहते हैं पेंट से कुछ ना कुछ हमारी शर्ट मैच हो रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। अब आपको मैं एक क्या कहते हैं तकिए की भी इंजन दूंगा, वो आप ऐड कर लोगे।
तकिए की पीएनजी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है भैया। तकिए की पीएनजी को आपने ऐड कर लेने के बाद क्या करना है, इतना बड़ा करना है और यहाँ पर हाथ जो उसका होगा ना, हाथ के पास से इस तरफ, ठीक है, हाथ के पास से इस तरफ आपने तकिए को यूँ लगा देना है, जिससे फोटो के अंदर बहुत बढ़िया लुक आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, विजय मेहर सर की फोटो के अंदर जो होती है वो असल चीज़ ये होती है कि मतलब जो स्किन होती है ना बहुत ही बढ़िया होती है। जैसे विजय मेहर सर की टांग मैंने रेज करी थी तो इसके मुताबिक हम अपने फेस को भी बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखना, सिंपल टूल वाले ऑप्शन में आप जाओगे, एडजस्ट में जाओगे, एडजस्ट में जाने के बाद ब्राइटनेस को आपने कम करना है तकरीबन 45% तक, ठीक है। उसके बाद आपने कॉन्ट्रास्ट को बिल्कुल थोड़ा सा, बल्कि नहीं छेड़ो, कॉन्ट्रास्ट को जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कम कर दो और क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा दो। और उसके बाद आपने सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करना है, देन हाइलाइट्स को थोड़ा सा, बल्कि हाइलाइट्स को नहीं बढ़ाना, उसके बाद आपने शेडोज को बढ़ा देना तकरीबन फुल और टेम्परेचर को आपने कर देना यहाँ पर तकरीबन 58%। देन रेजर में जाना है, क्लियर और पे क्लिक करना है और उसके बाद ब्लू सेलेक्ट करना है, क्लियर और पे क्लिक करने के बाद ब्लू सेलेक्ट करना है आपने और उसके बाद साइज को अपने हिसाब से रखकर आपने सिंपल क्या करना है, पूरी स्क्रीन पर ड्रॉ कर देना है इसको। तो मैं जल्दी से पूरी स्क्रीन पर ड्रॉ कर देता हूँ, तो मैंने पूरी स्क्रीन पे ड्रॉ कर दिया है। अब डन करोगे, अब मतलब ये नहीं बोल देना जिन बूथ लग रहा है भाई अभी इसकी अच्छे तरीके से, मतलब कैसे विजय मेहर की फोटो के अंदर। अब मैं बताता हूँ मेन चीज़ अब देखनी है आपने जो विजय मेहर की स्क्रीन पे होती है। तो आपने टेम्परेचर को यहाँ पर करना है कम तकरीबन, टेम्परेचर को कर देना है आपने 56%। उसके बाद आपने यहाँ पर हाईलाइट्स में आना है, हाईलाइट्स को आपने यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाना है तकरीबन 20 या फिर 30%। शेडोज़ को फुल रहने देना आपने, ठीक है। उसके बाद ह्यू को नहीं छेड़ना, आपने आना है सैचुरेशन में, देन सैचुरेशन को आपने यहाँ पर, बल्कि हाईलाइट्स को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, कम कर देते हैं हाईलाइट्स को। आपने सैचुरेशन को फिर ले जाना है तकरीबन माइनस की ओर, ठीक है, तकरीबन आपने इसको ले जाना है 92% तक। और उसके बाद आपने आना है यहाँ पर ब्राइटनेस में, देन ब्राइटनेस को थोड़ा और कम करना आता है, तकरीबन ब्राइटनेस को आपने कर देना है 51% तक, ठीक है। उसके बाद अब मतलब आपने आना है कॉन्ट्रास्ट में, कहाँगे कॉन्ट्रास्ट में आने के बाद देन कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा और कम करना है। तो नीचे ये देखो, ये पैरों का हिस्सा और ये देखो, ये विजय मेहर की टांग है और हमारा ये जो देखो पहले स्किन कैसे थी और अब देखो कितनी बढ़िया वाले तरीके से जो कहते हैं फोटो से मैच हो रही है स्क्रीन से और बहुत ही बढ़िया लुक लग रहा है जो विजय मेहर की फोटोज के अंदर होता है। हाइलाइट्स को फिर भी हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ऐसा इफेक्ट देना अपनी स्किन पे तो बहुत बढ़िया लुक आ जाएगा। तो बस यही हमारा काम था पिक्सार्ट में, ड्रॉ वाले टूल से जाकर पिक को कर लेते हैं सेव और फोटो को एक और अच्छा लुक देने के लिए बैकग्राउंड से मैच करने के लिए खोल लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो लाइटरूम के अंदर हमारी फोटो आ चुकी है, यहाँ पर एक और ही अच्छा लुक देंगे। सिंपल जाओगे भैया आप, लाइट वाला ऑप्शन है, देन यहाँ पर आपने क्या करना है, हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम करना है तकरीबन, हाइलाइट्स को आपने यहाँ पर कर देना है तकरीबन 50% माइनस पर, देन शेडोज को बढ़ा देना आपने 20%, देन उसके बाद वाइट्स को बिल्कुल थोड़ा सा कम करना है, ज़्यादा कम नहीं करना। उसके बाद आपने आना है इससे बराबर वाला ऑप्शन है, देन यहाँ पर आपने टेम्परेचर को ले जाना है माइनस की तरफ, ठीक है, तकरीबन टेम्परेचर को कर देना है आपने 8% माइनस पर, देन ट्रेंड को आपने कर देना है 5% माइनस पर, ठीक है। उसके बाद मिक्स वाले टूल में आप जाओगे, ये रेड कलर तो यहाँ पर है नहीं, ऑरेंज कलर के ल्यूमिनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना, देन इसकी ह्यू को थोड़ा सा कम करना, सैचुरेशन को 2% माइनस पे, और ग्रीन कलर की ह्यू जो होगी उसकी ह्यू को आपने बढ़ा देना, देन इस कलर में आने के बाद इसकी ह्यू को आपने माइनस पे ले जाना है और सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाना है, ल्यूमिनस को थोड़ा बढ़ाना है और इस कलर को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, बल्कि इस कलर को आप फिर भी ले जाना तकरीबन 6% माइनस की तरफ, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली क्या करोगे, और कोई कलर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप कर दोगे यहाँ से डन। डन कर देने के बाद आप आओगे इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पे आपने नोडिशन को थोड़ा सा बढ़ाना है 6% और कलर नोडिशन को बढ़ाना है 3%। उसके बाद शार्पिन को याद रखना, बढ़ाना है आपने तकरीबन 80 या 90%, बल्कि अपने हिसाब से बढ़ा देना, कोई मसला नहीं है, इतना इशू नहीं है, जैसे आपको फोटो पर जच रही हो आप इतना बढ़ा देना। तो उसके बाद आप इस वाले ऑप्शन में आओगे, यहाँ पे आपने क्लैरिटी को बढ़ाना है तकरीबन क्लैरिटी को आपने कर देना है 37 या 38% तक। और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना होगा, आपने सूरज भैया में आना होगा, देन यहाँ पे आपने शेडोज को थोड़ा और बढ़ा देना होगा, तकरीबन शेडोज को कर देना होगा आपने यहाँ पर 31 या फिर 40% तक, देन ब्लैक्स को थोड़ा सा आपने यहाँ पर कर देना होगा कम, तकरीबन ब्लैक्स को आपने यहाँ पे कर देना 20% माइनस की तरफ। तो अब मैं आपको पहले की फोटो और अब की फोटो दिखा देता हूं। तो पहले की फोटो ये देखो मतलब कैसी थी और अब देखो फोटो के अंदर बहुत ही बढ़िया वाला लुक आ गया देखो, और एक बिल्कुल ही जैसे विजय मेहर सर के अंदर फोटोज के अंदर होती है वैसी चीज भी हमारी फोटो में आ चुकी है, बहुत बढ़िया वाली फोटो एडिट हुई है। आप भी सिंपल ऐसी फोटो एडिट करो और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।